हाँ तो आ गए तुम लोग, तो मिलो उनसे। इनका नाम है अवनीत कौर और इनका दो ही ठिकाना है देखने का, पहला इंस्टाग्राम जहाँ पे ये अपना कुछ हॉट हॉट फोटो अपलोड करके जनता का मन बहलाती है, और दूसरा टोनी कक्कर गाना जहाँ पे ये जाके हक देती हैं। और इनका एक तीसरा ठिकाना भी है टीवी सीरियल, जिसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं टोनी कक्कर और इनके इंस्टाग्राम के ठिकाने के बारे में। तो देखो, नोनी कक्कर अपने एल्बम में सिर्फ दो ही प्रकार के लोगों को लेता है, पहला टिकटॉक के छपरी जिसके इंस्टाग्राम पे बहुत सारे फॉलोअर्स हो लाखों में, और दूसरे वो जो टोनी कक्कर से भी छोटे हो, जैसे कि ये। सॉरी। अब इन मैडम के कुछ फैंस मेरे पे गुस्सा हो जाएंगे और मेरे कमेंट में आके बोलेंगे तेरी क्या औकात है बे हमारी अवनीत कौर को रोस्ट करने की। तो मैं उन लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, सब बेटी चो, सब बेटी चो, सब बेटी चो, सब बेटी चो, देख रहा बेटी का चो। हाँ तो हेलो, वेलकम टू स्टार्ट सुजी। तो भाई अब तो तुमको पता चल ही गया होगा कि हम किसकी मारने वाले हैं, अवनीत कौर। जी हाँ, अवनीत कौर। तो भाई मुझे एक इनकी इंस्टाग्राम की वीडियो मिली जिसमें ये कुछ अधिक मात्रा में बातें पेल लेती, जरा तुम भी देखो। अरे आपको पता है 2020 में ना सारे रिलेशनशिप्स ऑनलाइन हो रहे हैं, जैसे कि मेरे और मेरे पापा का। ऑब्वियसली ऑफलाइन फादर एंड डॉटर वाला रिलेशन तो है ही, लेकिन अब तो ना हम लोग कूल फेसबुक फ्रेंड्स बन गए यार। जैसे कि लास्ट ईयर यूज टू कॉल मी अप एंड आई यूज टू बी लाइक पापा रुको अभी मैं बिजी हूँ, मैं आपको थोड़ा टाइम बाद कॉल करूंगी, लेकिन अब पापा तो पूरा पूरा टाइम मुझे मीम्स भेजते रहते हैं। एक मिनट, देखो दीदी, आपके पापा कूल डूड होंगे पर सबके बाप ऐसे नहीं होते, और अगर गलती से भी हमने एक भी मीम अपने बाप को शेयर कर दिया तो हमारे गान का चबूतरा बनना तय है, खत्म। इसलिए ही कहा जाता है कि बाप के साथ बकचोदी नहीं, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अब 2020 में अगर पापा कूल सोशल फ्रेंड बन गए तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दिवाली ये फ्रेंडशिप को भी ऑनलाइन ही सेलिब्रेट किया जाए, तो इसीलिए इस दिवाली मैं अपने पापा को Amazon पे ई गिफ्ट कार्ड दे रही हूँ ताकि उन्हें जो पसंद है ना वो खरीद सके। तो इस दिवाली नए या पुराने आप कौन से रिश्ते सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑनलाइन Amazon पे ई गिफ्ट कार्ड के साथ? दीदी दीदी सुनो, Amazon गिफ्ट कार्ड के बारे में आप ही लोग जानते होंगे, मगर क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में लोग Amazon को तो जानते हैं पर Amazon गिफ्ट कार्ड क्या होता है उसको झांट नहीं जानते। और चलो मान लो कि हमने गिफ्ट कार्ड भेज भी दिया, तब भी सामने से यही जवाब आएगा कि इसको निकालते कैसे हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। मतलब कुल मिला के गिफ्ट कार्ड लेने से अच्छा एक अच्छा सा गिफ्ट दे दो, वो सही रहेगा। राइट ब्रो। और हाँ, मीम से मुझे याद आया कि कल मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे मीम देख रहा था और सडनली मैं देखता हूँ अवनीत कौर की एक स्टोरी जिसमें ये कुछ ऐसी बकचोदी कर रही होती है। अब इस स्टोरी को देखकर मेरे मन में एक सवाल जरूर आया कि ये मैडम अपने स्टोरी में हमें और अपने ऑडियंस को दिखाना क्या चाह रही हैं। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, हकते वक्त खाते और बस सोचे ही जा रहा था। बहुत लोगों को दिखाया और बहुत लोगों से पूछा भी, कईयों ने कहा ये तो टट्टी है और कईयों ने कहा ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे मादरचोद के बच्चे, पर फिर भी मुझे जवाब नहीं मिला। फिर मैंने एक चोंच वाली मैडम की फोटो देखी, तब मुझे समझ में आया कि अच्छा, मैडम अपना हॉट सा चेहरा जिसमें किलो के भाव में मेकअप लगा है और ये 2 इंच का चोंच दिखाना चाह रही है। बट अभी भी सवाल ये बनता है कि ये अपना चोंच दिखा के जलाना किसको चाह रही है भाई, इस मैडम को या फिर इस मैडम को? नहीं भाई, कोई मुझे बताएगा कि इंस्टाग्राम पे ऐसी बकचोदी करना जरूरी है क्या? नहीं साला, जो कोई भी फेमस होता है ऐसी बकचोदी करने लगता है, वो भी मेकअप लगा के। साला कभी कभी तो इंस्टाग्राम भी कहता होगा अरे मां चुदी पर ही है। ओहो, इतना दुख। चला, इतना दुख देख के मेरे गांड के बाल जल उठे। नहीं यार, इतना दुख ये लोग लाते कहाँ से हैं? अब जो भी है, लेकिन इन्हीं लोगों को देखकर आजकल छोटे छोटे बच्चों को प्यार हो जाता है। चला, इनको बुखार तो ठीक से होता नहीं लेकिन इनको प्यार जरूर हो जाता है। अरे भोंसड़ी वालों, पहले अंडे से तो निकल जाओ तब करना प्यार, और फिर जब कट जाए तो व्हाट्सएप पे सैड सैड स्टोरी लगा के दूसरों के दिमाग का भोंसड़ा करना, यही तो काम है तुम्हारे पास। छह टोनी कक्कर का गाना और उस पर रील ना बनाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अब जो लोग ये कहते हैं कि नोनी कक्कर का गाना हिट कैसे हो जाता है, तो देख लो इनको गौर से। इनकी वजह से और इन जैसो की वजह से टोनी कक्कर का गाना हिट हो जाता है। अब कर ही क्या सकते हैं, जब जनता इन जैसे लोगों को अपना आइडल समझ लेते हैं तो उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं भाई। हाँ, अब इस वीडियो को क्या ही कहना, इनको देखो ऐसा लग रहा है कि जैसे मुंह पे ही मेकअप की गांड मार दी गई हो। अरे दीदी, कम से कम मेकअप लगाने के बाद इंस्टाग्राम के फिल्टर तो यूज मत किया करो। और इंस्टाग्राम गया माँ चुदाने, पहले मुझे ये बताओ ये मेकअप करते वक्त आईफोन 12 प्रो दिखाना जरूरी है क्या? नहीं। चला जहाँ देखो वहाँ आजकल हर कोई ऐसी बकचोदी पेल रहा है, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अद्भुत बहनचोद, आम आदमी बाथरूम को हगने या फिर नहाने के लिए इस्तेमाल करता है, पर तुम लोग इनको देख लो, ये लोग बाथरूम को मुजरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नहीं भाई, हम बाथरूम में जाके अपना गांड हिलाते हैं ताकि टट्टी बाहर निकले, लेकिन ये इनका तो अलग ही सीन है यार। हम लोगों का बाथरूम इतना छोटा होता है कि हगते वक्त थोड़ा सा एडजस्ट करने की भी कोशिश करते हैं तो हमारा गांड या तो लेफ्ट वाले दीवार से टकराता है या फिर राइट वाले दीवार से।
पर इनके पास एक बड़ा बाथरूम होते हुए भी ये उसका यूज नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही चलता रहा ना तो एक दिन आएगा जब ये लोग बाथरूम को मुजरालय बना लेंगे और मुजरालय को बाथरूम। और एक तो ऐसा स्टेप इंस्टाग्राम का हर फीमेल इन्फ्लुएंसर कर रहा है, मतलब गांड को राइट से लेफ्ट ले जाने को डांस कहते हैं क्या? और चलो कहते भी हैं तो भाई कम से कम अगले वीडियो में दूसरा स्टेप कर लो, पर नहीं, इनको तो सिर्फ यही स्टेप आता है। अगर तुम इसको डांस कहते हो तो मेरे भाई तुम गलत हो, इसको डांस नहीं बल्कि गांड से जलेबी छानना कहते हैं। और तुमको अभी भी नहीं विश्वास तो जाके जलेबी भाई गाना देख लो, उसमें ये स्टेप 5 साल पहले किया गया है। इस गाने का नाम है सोना सोना। और अगर इस गाने में अवनीत कौर होती ना तो पता है इस गाने का नाम क्या होता? जैसा इनका हुक स्टेप है उस हिसाब से इनके गाने का नाम गांड लेफ्ट राइट होना होना रखना चाहिए था। चल आजकल डांस के नाम पे सिर्फ गांड मटकाया जा रहा है और कुछ नहीं। क्यों भाई प्रमोद दुबे? एक छप्पड़ मार दूं तो साले मुंह के दांत गांड छिन लेंगे। हाँ तो गाइस आज की मुद्रा यही खत्म करते हैं, और ये वीडियो सिर्फ एक मजाक थी तो मजाक की तरह ही लेना। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि वीडियो का बेस्ट पार्ट कौन सा था। एक कमेंट करना ही तभी तो ये वीडियो चलेगी। बाकी मीम्स के लिए तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो की मजदूरी में, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय। विनोद लौंगड़े का रोस्ट वीडियो है।